जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से गठबंधन की सरकार बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। खबर है कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर जल्द ही राज्य में सरकार बना सकती हैं। इन अटकलों की एक वजह ये भी है कि महबूबा पिछले दो दिनों से दिल्ली में हैं और वो यहाँ कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक जम्मू कश्मीर को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की पॉलिसी एंड प्लानिंग ग्रुप की बैठक है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम, राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता गुलाम नबी आजाद और अंबिका सोनी शामिल होंगे। यही नहीं, इस बैठक के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को श्रीनगर में भी एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता, सभी विधायक, एमएलसी भी शामिल होंगे, जिनके साथ राज्य में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाए जाने की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी और ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि अगर कांग्रेस पीडीपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाती है तो उसका आने वाले चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 44 विधायकों की जरूरत है। इनमें से 28 पीडीपी और 12 कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में 4 निर्दलीय विधायकों का साथ लेकर सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ छोड़ना होगा या फिर उमर अब्दुल्ला को अपने भरोसे में लेना होगा। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी पीडीपी का गठबंधन टूटने के बाद से कांग्रेस और एनसी दोनों ही पार्टियां पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने से इनकार कर चुकी हैं।